फर्जी दस्तावेजों से चुनाव लड़ने के मामले में गिरफ्तार जिला प्रमुख हरलाल सहारण की गिरफ्तारी के विरोध में आक्रोशित भाजपाई मंगलवार को भी सड़कों पर उतरे। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आह्वान पर चूरू के बाजार बंद रहे और इस दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर मुख्य बाजार सहित शहर के कई प्रतिष्ठान बंद रहे। वहीं आरएसी और पुलिस का जाब्ता भी सुरक्षा के लिए तैनात रहा और बंद के साथ ही गोपालदास चौक पर राजेंद्र राठौर की अगुवाई में अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू हुआ। राठौर ने प्रदेश सरकार पर हठ धर्मिता का आरोप लगाया है। जन आक्रोश का लावा फूट रहा है। हमने व्यापारी बंधुओं से सिर्फ निवेदन किया था, है वैधानिक गिरफ्तारी हुई है जिले के प्रथम नागरिक जिला प्रमुख की। आज पूर्णतः 2000 से ज़्यादा दुकानदारों ने हमारा समर्थन करके अपना व्यापार ठप रखा है। ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, हम कानून की लड़ाई भी लड़ेंगे, न्यायालय में हमारा विश्वास है, परंतु सरकार की हठधर्मिता और आईजी बिकाने का ये कृत्य है, मैं इसके विरुद्ध में जनमानस के पास हम अपनी बात को लेकर जा रहे हैं। अभी हमारा कल का भी धरना रहेगा और उसके बाद आज बैठ कर हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। हम चाहेंगे कि जिस तरह चूरू बंद रहा है उस तरह और कश्मीर बंद हो। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता योगेंद्र वर्मा फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी योगेंद्र, ये बताएं कि क्या कुछ है पूरा मामला जिसको लेकर चूरू के मुख्य बाजारों को बंद रखा गया। जी लवीना जी, मैं ये बताना चाहूंगा, कल शाम को प्रतिपक्ष के नेता श्री राजेंद्र सिंह जी ने व्यापारियों से आग्रह किया था कि हरलाल जी जिला प्रमुख की गिरफ्तारी के विरोध में कल चूरू बंद किया जाए, जिसके चलते आज सुबह 6 बजे से ही प्रतिपक्ष नेता श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ खुद चूरू के बाजार में घूम के और चूरू के बाजार के व्यापारियों से बंद का आह्वान कर रहे थे, जो लगभग सफल माना जा रहा है, जिसमें आवश्यक सेवाएं दवाएं और चाय पानी की दुकानों को छोड़कर लगभग चूरू आज बंद है, जिसे लेकर अब गोपालदास चौक पे मंत्री जी ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। जी जी योगेंद्र, क्या बताएं कि क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर ये पूरा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रतिपक्ष नेता श्री राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि हमें न्यायालय की पूरी प्रक्रिया पे पूर्ण विश्वास है, लेकिन जिस तरह से जिला प्रमुख जी की गिरफ्तारी की गई है वो न्याय संगत नहीं मानी जाती है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बताते कि गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर भाजपा अब उतर चुके हैं और चूरू में बंद का आह्वान किया गया है।